हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल जॉब लाइन में। तो आज हम रीजनिंग के एक ऐसे टाइप के बारे में, रीजनिंग का एक ऐसा टाइप है जो एक कोई यूनिट का नहीं है, वो सिर्फ विविध के क्वेश्चन है जिसमें हम पैर और सिर वाले क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हम टांगे और सिर की जो बात करते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आज आपको मैं बताऊंगा कि चार पैर वाले, दो पैर वाले या दुपहिया या चौपहिया वाहन दे रखे हैं तो उनको हम बाय ट्रिकी कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन समझाऊंगा, लेकिन जो मेथड मैं आपको बताऊंगा वो आपने पहले नहीं देखा होगा, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो हम लेते हैं आज का, ये एक क्वेश्चन दिया है तो देखते हैं। पहले मैं आप सभी को बाय कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो, इस क्वेश्चन के करने के तीन से चार तरीके होते हैं। एक तो आप करते हो बाय कॉन्सेप्ट में एक्स वाई देते हो, या एलिगेशन लगाते हो, या फिर आप हिट एंड ट्रायल मारते हो। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो आपने पहले नहीं देखा होगा, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, ठीक है? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखो, सबसे पहले बाई कॉन्सेप्ट में इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन कैसे लगाएंगे कि गाय और क्या है, क्वेश्चन देखो, एक बाड़ी में 50 जानवर हैं जिनमें कुछ गाय और कुछ मुर्गियां हैं, जिनके पैरों की संख्या 130 है, तो ज्ञात करो गाय कितनी है और मुर्गियां कितनी हैं। तो देखो, हम क्या करेंगे, गाय और मुर्गियां ले लेंगे। यहां पर हम मान लेंगे कि सभी की सभी गाय हैं। कुल जानवर कितने हैं, 50। एक गाय के कितने पैर होते हैं, 4, तो कुल पैर कितने होते हैं, 200। कुल पैर कितने होते हैं, 200 होते, ठीक है? अगर सभी की सभी क्या होती, गाय होती, तो अगर सभी की सभी मुर्गियां होती है तो 50 × 2 कर देंगे, क्योंकि एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं, सर 2 पैर होते हैं, तो कुल पैर कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन कुल पैरों की संख्या दे कितनी रखी है, 130, ये बीच में रखेंगे और एलिगेशन लगा देंगे। देखो, यहाँ पे इसमें से ये घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, तो यहाँ पे तो आ गया 30 और इधर बच गया हमारे पास 70। कैंसिल कर देंगे तो जो रेशियो है गाय का और मुर्गी का अनुपात है वो आ गया 3:7 आ गया। 1 3x है तो 1 कितने x है, 1 3x है तो 1 कितने x है, 7x है। 1 कितने x है, 7x है। तो x का योग करो या यूनिट का योग करो, 3 और 7 कितना हो गया, 10x इज इक्वल टू कुल जानवर। कुल जानवर कितने हैं, 50। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू 5 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई। अब x का मान यहां पे रख देंगे तो 5 3 15 तो होगी गाय, और 7 5 35 होगी मुर्गियां, ठीक है? तो हमारे पास गाय तो होगी 15 और मुर्गियां कितनी होगी, 35। ये कम से कम 1-2 मिनट खा जाएगा, ऐसे करोगे तो कम से कम 1-2 मिनट खाएगा। लेकिन आपने कैसे करना है देखो, इधर आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आपने करना है देखो, कुल जानवर कितने हैं, 50। पैरों की संख्या कितनी है 130। तो ट्रिक ध्यान से सुनना ट्रिक ये है कि पैरों की संख्या का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। पैरों की संख्या का आधा कर दो और जितना भी आधा हो उसको सिर में से घटा दो, तो हमेशा ही 4 पैर वाले जानवर आ जाएंगे। दोबारा देखो, पैरों की संख्या को हाफ कर दो और जितना भी आए उसको कुल जानवरों की संख्या में से घटा दो, तो जो भी आंसर आएगा वो हमेशा ही
हमेशा चार पैर वाले होंगे, हमेशा कौन से होंगे चार पैर वाले। तो चार पैर वाले गाय कितनी होगी 15, कुल कितने हैं 50, तो पीछे कितने बच गए 35। ये देखो 5 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, कुल जानवर ले लिए हमने 100, पैरों की संख्या मान ली हमने 250, और जानवर है वो क्या है, कुछ तो है गाय, या फिर अपने मानते हैं कुछ तो है हिरण और कुछ है कबूतर। तो हम क्या करेंगे, पैरों की संख्या है सर 250 का आधा करो, कितना हो गया 125 हो गया, 125 हो गया, 125 को आप, 125 को आप सिरों की संख्या में से घटा दो, तो जो भी हमारे पास बचेगा वो हमेशा चार पैर वाले जानवर होंगे, तो चार पैर वाले कौन हो गए हिरण। कुल जानवर कितने हैं 100, 25 हिरण हो गए, तो पीछे कितने बच गए 75 क्या हो गए कबूतर हो गए। ऐसे ही क्वेश्चन आप दुपहिया वाहन और चौपहिया वाहन लेके भी कर सकते हो। जैसे एक देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक पार्किंग स्थल में 70 वाहन खड़े हैं जिनमें कुछ दोपहिया और कुछ चौपहिया है, उनके पहियों की कुल संख्या 200 है, तो आपने बताना है कि कुल चौपहिया वाहन, मान लेते हैं कुछ कार है और कुछ बाइक खड़ी है, और उनकी कुल संख्या कितनी है 70 है, 70 है, और उनके कुल वाहनों के टायर की संख्या, कुल पहियों की संख्या कितनी है 200 है। तो या तो आप एलिगेशन लगाओ, उसमें कम से कम 2 मिनट का टाइम लगेगा, 1-2 मिनट खा जाओगे, या फिर 5 सेकंड में क्वेश्चन से बाहर आ जाओगे। कैसे, कुल पहियों की संख्या कितनी है 200, डिवाइड किससे कर दोगे 2 से, हाफ कर दोगे, इज इक्वल टू कितना आ गया 100। जितना भी घटाने के बाद आए उसमें से कुल वाहनों की संख्या घटा दो, उसमें कुल जानवर घटा रहे थे, इसमें कुल वाहनों की संख्या घटा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा 30 बचेगा। तो 30 हमेशा ही चार पहियों या फिर चार पैरों वालों जानवरों या फिर वाहनों की संख्या